हूँ डी सी पी विरक जी उन्होंने जो एप्लीकेशन वापस दे गए नशे के खिलाफ नॉर्थ एरिए हूँ ऑफिसर तो बड़े वधिया इंसान ने विरक साहब ईमानदार भी ने पता नहीं क्यों सच्चाई दसन तो क्यों परहेज करते हैं। असी गलबात करने की कोशिश की है मगर गलबात कोई अच्छे तरीके आमने सामने संतुष्टि जवाब नहीं दे सके। चलो परमात्मा करके आने वाले समय के जो नशे को खत्म करने इन्होंने ऑफिसर का वध तो वध योगदान है। इन्वेस्टिगेशन करने तो बाद रिजल्ट की निकलता है या फिर इस तरीके नॉर्थ एरिए जो सट्टे का दरे का या नशे का काम जोर ना रहेगा। हुण पुलिस कमिश्नर की गल करिए चाल साहब की गल करिए सीपी साहब की गल करिए बड़े अच्छे तरीके पूरी प्रशासन जो कि संबोधित कर देना तारीफ के काबिल बनाया। हूँ देखना है कि नॉर्थ में नशे को खत्म करने वास्ते पुलिस प्रशासन नवे उपराले की कर रही है। दोस्तों मैं टोडा अपना एसके सक्सेना का अदालत जनता की आमने सामने में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कमरे सामने देख रहे सारे दर्शकों ने फिर तो प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों असं गल करिए जिंद शहर की करके नॉर्थ हल्के की गल करिए पंजाब की गल करिए एक बने सरकार कह रही कि चिट्टे नशे का विश्वास से पंजाब मुक्त कर देना, दूसरे पास शहर में चिट्टे की या नशे की तस्करी की आ रही है। कुछ होर जनता भी साढ़े सीपी ऑफिस कंप्लेट लैके पहुंचे 8 नंबर थाने की पुलिस ने किसी प्रकार की उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अज कारण की है कि साढ़े महापुरुष होर भी गुरुद्वारे के प्रधान साहब अज सीपी ऑफिस कंप्लेट लैके पहुंचे और पहले जानकारी लेने कि आखिरकार मसला की है तो मामला की है तो क्यों पहुंचना। साढ़े मौजूद ना बाबी बाबा जी सामने पहला तो चैनल वालों थोड़ा जी आई असी करते हैं अज तुम महापुरुष हो सीपी ऑफिस पुलिस कमिश्न के ऑफिस में पहुंचे हो की कारण है और थोड़े नाल काफ़ी लोग प्रधान गुरुद्वारा साहब होर भी धार्मिक सद जथेबंद होर भी सीनियर आगू मोतवार पहुंचे हैं की कारण है कि तुम सीपी ऑफिस आना पाया। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी गल इस तरह कि जिन्ना को नशा साढ़े महल वेख रहे हैं असी बहुत दुखी हो गए हैं कि निके ने आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। महल का की ना कि महल महला कोट बाबा दीप सिंह नियर सोड रोड जलंधर। इस महल के कोट बाबा राणी मैडल चौंक के बहुत ज़्यादा चिट्टा विक रहा शराब विक रही है। कोई साडा प्रोसैशन साडा कोई हेल्प नहीं कर रहा। असी बहुत दुखी हो गए अज दरबार अज तो पिछ 2 साल पहला भी आप रिक्वेस्ट करके अपने एप्लीकेशन दे के गए हैं कोई साड़ी सुनवाई नहीं हुई। अज असी अज तो 15 दिन पहला 8 नंबर के HO साहब नूं बुलाया सा बैठ के मीटिंग की गुरुद्वारे के सामने सानू तसली दे के गए लो जी हाँ आप सारे बंदे चुक चुके सारे इन्होंने बंद करा देंगे। लेकिन अज तक हजे तक कोई गल साड़ी बनी नहीं कोई साड़ी हेल्प करने तैयार नहीं है। असी पुलिस प्रशासन अगर यही एक अरदास कर रहे हैं कि साड़ी हेल्प की जाए चिट्टा बंद कराया जाए आने वाली पीढ़ी साड़ी बच जाए। जिमें तुसी दस्से कि नशा शर्म जोड़ा ना चलता पाया वो नशे की कुछ वीडियोग्राफी भी तुहाडे कोल तुसी फड़दे वेचदे किसी नूं वेख्या तुहाडे कोल कोई विद प्रूफ है मूवी हैगी। अच्छा हाँ जी मूवी भी दिखाई तुसी SHO साहब नूं उन्हां देखी है। हाँ जी हाँ जी बावजूद भी बिल्कुल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रशासन साडा कोई साडी हेल्प नहीं कर रहा। असीं तो यही रिक्वेस्ट करने अज्ज सीपी साहब दी आए हैं कि साडे मतलब कि साडा कुछ करो नहीं तो असीं आपां भुख हड़ताल उत्थे रख जाणी। बिल्कुल दोस्तों तुसीं वेख्या कि किस तरीके ने पंजाब सरकार एक बने कहिंदे कि नशा अश बिल्कुल खत्म करता दूसरी तरफ देखा कि तुसीं घरां घरां पिंडां पिंडां दे विच एरिए कोने कोने दे विच नशा शर्म विकदा पिया प्रशासन पुलिस प्रशासन काम कर रही है। आखिर काम की कर रही है जदों शर्म नशा विक रहा प्रूफ तुहानूं दिखा रहे हैं। अज हुण तुसीं हुण प्रधान साहब तुसीं की कहना चाहुंदे हो कि इह जो दस्सिया बाबा जी उन्होंने इहदे मुताबिक पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटियां तो नशा बंद करन च बिल्कुल फेल है कि या काम कर रही है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। असी बेनती प्रसन्न करने हैं भी साढ़े महल में जो नजायज़ काम हो रहे हैं हुई नशे के साढ़े बच्चे भी पीन लग पे ने उन्होंने बड़ा हार उन्होंने माँ प्यो बड़े दुखी हुए हैं बार बार असी कमेटा देख हार गए हैं थक के आके बैठ गए हैं देर हम जाते हैं कोई बंदा करता है उन्होंने महल में असी छेक भी दिता है कुछ पार्टियां कोई बंदा मारे जाता कमेंट देते उन्होंने धमकियां देने हूँ साढ़े को एक बंदा आया और सब मुंडा जी जिन्होंने जिन्होंने धमकिया दी गई ने और इन्हों का कंप्लेट दी बंदे फटे गए मूवी बनी हुई है तो कहता कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धमकियां दी कि ने दी
पावर सारे होंगी पिछे जो माल जो समान बेचता हर की पावर रखता है। मैं कंप्लेट भी लिखा गया ता भी सुनवाई नहीं हुई मेरी। सच्चाई जानना चाहना कि अगर पुलिस प्रशासन उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही तो कितना कितने तुम्हें भी लगता कि पुलिस प्रशासन का उन्होंने नाल कोई सांझा रोल सांझ भाईचारा हो सकता? पूरा पूरा जी, पूरा जी पूरा आंदे जी। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, असी गल कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं करनी, मजबूरन आना पाया। भाजी तुसी दसो की कहना चाहते हो, ये जो अज तुसी वेख्या सारे तुसी इत्थे पहुंचे हो तो वाकई ही पुलिस अपने काम तो फेल हैगी? वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। असी समूह महला निवासी कोट बाबा दीप सिंह तो इकत्र हो गए हैं जी। साढ़े बाबा जी नाल प्रधान साहब सारे इलाका निवासी इकत्र हो गए हैं। ज़्यादा इन्हें करीब 10 से 15 वारी बाय नेम अर्जियां लेके असी सीपी साहब नूं वख-वख दफ्तरां विच दित्तियां। माननीय मुख्यमंत्री साहब नूं असी अर्जियां भेजियां, माननीय प्रधानमंत्री साहब नूं अर्जियां भेजियां, पर किसी भी तरह की कितने भी कोई कार्रवाई नहीं जी हुई। किसी भी तरह की कितने कोई कार्रवाई नहीं हुई। तंग दुखी जो भी तुसी कह लो भी हुण साडे कोल नौबत यह भी असी अपने घर वेच के महला छड्डन दे लई तैयार होए। मजबूर महला छड्डन लई मजबूर हो तुसी? महल्ले चो गंद खत्म कर ले नहीं कोई संघर्ष कर सकते तुसी अपना? असी संघर्ष हुण अज भी असी सीपी साहब कोल इसे वास्ते आए हैं भी कितने ना कितने साडा मसला हल किया जाए। वो करते कि नहीं भी जिदा हूँ भाई साहब दे तुहाडे कोल इन्हां नूं कहिंदे जगह वेच भी अपने मूँह दस भी पैसे किन्ने लैने जी, पैसे लै जगह खाली कर मकान खाली कर ते तू जा। ये रोकते ने इन्हों का गवांढ दे नाल कर रहे, इन्हों गल पैंदे ने, इन्हों का झगड़ा भी होया जी, ये संबंध में भी आए हैं। उस तो बाद भी हर कोई भी जिहड़ा वेखो भी तुसी अगर तुसी चल जाओगे भी जे समझ लो तुसी चौंक च जाके खलोगे तो तुहानू किसी ने पुछना हाँ जी की लैना जी तुसी की चाहते हो? शराब लैनी जी, चिट्टा लैना, फीम लैना, शरेआम जी खुलेआम किसी भी तरह का तुसी नशा चाहो तो महला कोट बाबा दीप सिंह रानी मैडल चौंक के एड्रैस सारे दसो भी जे किसी ने लैना हो किसी भी तुसी आप खुद जाके सर्च करो, स्पाई कैमरा लाओ, तुसी किसी तरह भी जाके अपना पैरे किस तरह लाना चाहते हो। आड़ पास के जिहड़े वीडियो कैमरा लगे ने फैक्ट्रिया में लगे ने गुरद्वारा साहब लगे ने वो चैक करो, ये सारे सिस्टम तो उस समय पता लग जाएगा। बाबा जी एस एच ओ प्रदीप आठ नंबर थाने हाँ जी हाँ जी उन्होंने यह सारिया चीज़ा जो विद प्रैक्टिकल प्रूफ सब कुछ देखे सब कुछ देखे जी। उस दिन महल च आए ने खुद आए ना अच्छ तो 20 दिन पहला अभी बुलाया कहते आ रहे थोड़े अभी घट्टो घट 100-150 बंदा 200 बंदा इकट्ठा उस दिन होया कोई जिस अभी पार्टियां बना लिया ने 3-4 ग्रुप बना ले ने बस बंदे चुके जाएंगे जी। मैं जी असं हाथ जोड़े ने कि जे साहब आता तुम जे साडे बंदे हाथ साडा खामा चिट्टे का खत्म करा दो नशा जहाँ तो असं सू गुरद्वारा साहब वालों पग चिट्टा देवे ते सिर तक बना लेकिन इतने तक आप गया लेकिन साडा कोई सुनवाई नहीं हुई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਉੱਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਅਸੀਂ ਪੋਖਰ ਧਰਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਿਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲਲਕਾਰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਿਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ कि हर डे एवरी डे पुलिस आ रही है और पैसा लैके जा रही है। की लगता वड्डा हाथ किस पद्धर से कोई राजनीति का पिछे हाथ है या की है ये तो हम पुलिस अफसर ही जान सकते हैं कि पैसे खा रहे हैं किहड़ा विच चोर हैगा वा कोई सारे चोर तो पंज उंगल कुछ नहीं हो सकदियां ये थोड़े जने एक मच्छी हो सकती दो मच्छियाँ गंदी हो सकदियां ने सारे तलाव गंदा कर सकदियां ने लेकिन सारे अफसर नहीं इदां दे हैगे अफसर इहो जिहे ने कि टंगण वाले भी हैगे ने लेकिन हजे कोशिश नहीं हो रही सकती। किन्ने लंबे समय तो तुसी ये नशे दे नाल लड़दे पे हो कि नशा खत्म होना चाहिए? 3-4 साल हो चुके 3-4 साल तो पहला शराब बिकती सी असी ओदे पिछे हाथ जोड़न आए ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆ ਅਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਾ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਅੱਡਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ
चौंक दे विच उन्होंने बंदियां नूं फड़ लैना कि हाँ जी पुछ लैना जिस तरह किन्ने की लैना भी की लैना उत्थे घूम के उन्होंने घर अपने लै जाना उत्थे जाके उन्होंने फड़ा देना। कहना चाहते भगवंत मान साहब ने जिन्हें कहते कि नशा सिर्फ वेचता मान साहब ने यह कहना चाहते हो कि जे तुसी अगली बारी भी बनना चाहते हो प्रधानमंत्री तो फिर सर तुसी साडी हेल्प करो नहीं तो फिर तो डुबण वाला डुबिया बेड़ा डुब जाना जी। सीपी साहब तो कहते बहुत चर्चा में बहुत वधिया इंसान कुलदीप सिंह चाल जी उन्होंने तुम मिले एक बार नहीं हजे नहीं मिले जी हम चले हैं मिलने वास्ते बहुत वधिया कहते अच्छे इंसान ने एक बार हेड ने साहब भी गल हुई सी उन्होंने कल टैलीफोन किया कहने सानू 10 बजे का टाइम दिता कि तुम आके मिलो असी तां करके उन्होंने मिलने आए कि साडी हैल्प उन्होंने कहा ताडी हैल्प करनगे असी अज उम्मीद लैके आए हैं कि साडी हैल्प हो जाए नहीं तो अभी डुबे तो डुबे ही हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों तुम वेखो कि किस तरीके हर एक इंसान नशा तो परेशान होकर बच्चे उन्होंने चंकी राह च लगन किमें सीपी साहब के ऑफिस अज पहुँच चुके हैं हूँ अगली रणनीति की अगली कार्रवाई की होगी अगर पुलिस प्रशासन अजे भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेंदी फिर अगर सारे साथी मिल के की करेंगे इसकी जानकारी असं तुम्हें ब्रेक तो बाद देवे तद तक लिए मैं टोडा अपना एस के सखना कैमरामैन के नाल आज तक आमने सामने जलंधर तो। नमस्कार दोस्तों मैं टोडा अपना एस के सखना अदालत जनता की आमने सामने में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है।